बहराइच जिले के लोधनपुरवा यादवपुर इस गांव में हम यहां पर मौजूद हैं और यहां एक बार फिर आधी रात बीत चुकी है, भेड़िए ने हमला किया है और परिजन रोते नजर आ रहे हैं। आपका बेटा था जिस पर हमला किया? बेटा हिम्मत कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वो अस्पताल में है इस समय। हमको दिखा ही नहीं हमारे बच्चा का। कहे तो चलिए ना भाई, देखे कहे परेशान हो तो जब गांव तो देखा लेगा, हुआ काम काम कोई नहीं लेगा। अभी अस्पताल से बताए होंगे तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है कह रहे हैं, जो गांव के लोग बता रहे हैं कि तबीयत ठीक है, अभी अस्पताल में है आपका बच्चा। गांव के ही कुछ और लोग, आप उसकी बहन है, क्या नाम भाई का आपके जिस पर हमला किया? संगम लाल नाहू का। और आपका नाम? हमारा नाम है लूसा। लूसा, हाँ। तो कहाँ पर सो रहा था तो हमला किया? सो ना रहा था, हम लोग दादी का बुलावा रहन खाना करती, तो फिर हम नल पे पानी भरे लगे तो वो रखो दौड़ के गवा से रिहार से गया, फिर रखो भैया कहाँ पर हमला कर दी, हम लोटा में पानी भरे फिर लोटा फेंक के जी दादा जी। आप घर पर ही थे? हम ना सब घरे। अरे दादा, तो घर के रोज, अरे दादा आज कहाँ? नहीं, गांव के लोग कह रहे हैं कि तबीयत अभी उसकी ठीक है। तबीयत उसकी ठीक है? ठीक है अभी सही तबीयत उसकी। अच्छा, इलाज पानी चल रहा है उसका, इलाज हो रहा है। हमको देखी, अरे दादा वहाँ हमको नहुआ तो है बच्चा हमारा। अरे दादा ये देख लो संगम लाल का, देखो ठीक है लड़का। क्या नाम है उनका पिताजी का? मैकुलाल लाल। देखो लड़का ठीक है, देख लो पहले प्लास्टर। मैकुलाल जी, हां जी, देखो आपके आपके आप आपके बेटे की तबीयत ठीक है, ये देखो। सर जी हमका सामने दिखावा जाए, यहां देखेंगे, ये देखो, ये सामने से ही बात हो रही है, अस्पताल में है वो, और वो पूरी बात करके बता भी रहा है कि अभी मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। अरे सर जी चुप रहो, थोड़ा सा ठीक है। आओ खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, शांति रखो। अब तुम देखते ना, ये तो मम्मी रोगा तो ना, हाँ देखो वो तो बात कर रहा है ना, बता भी रहा है, देखो ये बता रहा है। अरे दादा, अरे दादा नहीं ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, ये तो सब बात कर रहा है। अरे दादा ये देखो बात कर रहा है, नाम बता रहा है। अरे दादा, अरे बाप, क्या नाम है बेटे का? संगम लाल। संगम लाल, संगम लाल की ये तस्वीर है और उनके पिता इस वक्त जिस तरह से वो आहत हैं, और हम ये महसूस कर सकते हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से हमले हो रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से ये अब पूरे गांव में इस तरीके से तकलीफ और दुख की लहर भी है। गांव के ही कई लोग और भी मौजूद हैं। नहीं नहीं वो ठीक है, आप भी इसी गांव के ही हैं? अच्छा, क्या ये कितने बजे के आसपास हमला हुआ है? 8 बजे। अच्छा, कैसे हमला हुआ है, क्या पता चला है आपको? इसके बाद तो मैं जानते नहीं लो, मालूम बोलो। हाँ बताइए भैया, बता दे भैया। 9 बजे हुआ साहब, 9 बजे। 9 बजे क्या नाम आपका? रामदास। क्या हुआ, वो घर के अंदर था तब हम? नहीं घर के अंदर नहीं था, गेट पे था साहब। अच्छा, वहाँ पर है गेट, कहाँ है जरा दिखाइए। अच्छा वहाँ पे बच्चा रहा, तो ये इस तरीके से ये खाट भी लगी हुई है, बाहर सो रहे थे कुछ लोग? सो नहीं रहे थे। अच्छा, यहाँ पे था हाँ, आया था यहीं पे हमला किया है। अच्छा, इसी इस दरवाजे से वो बाहर निकला जैसे ही? हाँ, हाँ, हाँ। तो दरवाजे के बाहर ही कॉर्नर में जहाँ मवेशी बांधे जाते हैं, इस तरफ कहीं छुपा हुआ वो भेड़िया बैठा हुआ था, और यहीं से आकर के तुरंत उसने हमला किया है। कुछ पैर के निशान भी हम यहाँ देख सकते हैं, और ये एक दलदल का इलाका है, और पीछे यहाँ पर ये घनी झाड़ियां भी दिखाई दे रही है साफ तौर पर,
और माना जा रहा है कि संभवतः भेड़िए यहीं पर छुप करके बैठे हुए थे और उनमें से एक भेड़िया जो है वो आकर यहाँ हमला करता दिखाई दिया है। परिवार के कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और ये यहाँ यहीं पर उसने हमला किया है। नहीं, अंदर फिर गया, अंदर नोचा है वहाँ घर के अंदर। फिर जब बच्चा है वो यहाँ से घायल होकर अंदर गया है और भेड़िया भी साथ में अंदर आ गया। भेड़िया नहीं है, बच्चा भगा अंदर। अच्छा, ठीक है। और ये घर के तमाम वहाँ पर लोग मौजूद हैं और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला है उसके बाद उस पर ये हमला किया गया है। ठीक है, ये लड़का जब घायल हुआ था उसके बाद वो एक बार फिर घर के भीतर दाखिल हुआ है। ये घर के लोग हैं यहाँ पर, लेकिन खास बात ये दादी हैं। हाँ, ये दादी हैं। दादी हैं। दादी, आप घर में ही थे जब भेड़िया हमला किया? आप दादी हो? हाँ। क्या हमला किया आपके बच्चे पे भेड़िया ने? हाँ, हमला किया। क्या हुआ? हाँ। क्या हुआ बताओ? जब मेरी कवक लेके गए उठा ले गए तब। कौन ले गया उठा के? भेड़ुआ हुआ है। हाँ। जो रात है वहाँ लेके गवा है। उनका मार डालो सब बजे के। हाँ, उनका मार डालो सब बजे के। ये एक बड़ी दिक्कत भी है। आप उनकी बहन है? हाँ, भाई का नाम क्या है? संगम लाल। संगम लाल, तो क्या हुआ, कैसे आप बताएंगी जरा, कैसे उसने हमला किया? हाँ, जैसे वो यहाँ से नहीं, ऐसे गवा हुआ से आए तो बाहर से हम दोनों भैया आए, हम नल पे रुक गए। फिर वो आए की जैसे यहाँ पर पहुँचा है तैसे वो काट कर मतलब वो नीचे गिर गया तो हम उनका रोके लगे। फिर उसके बाद में है तब खूब चिल्ला लग, जब उसके ऊपर से चढ़ गवा तो खूब चिल्ला लग कि हमको बचा लो दीदी, हमारा मतलब चटाई गिन ज्यादा मतलब हम बचबे ना। तो हम देखें चढ़ा ऊपर से तो हमके नहीं कौन चीज हुए, तो हम सोचे कुत्ता हुए। तो सब लोग कहें कुत्ता ना मतलब रखो, तो हम देखें तो हम कहें नहीं तो कुत्ता ना लगे थी तो जानवर तरीके से है। तब फिर हम चिल्ला लगे कि सब लोग दौड़ो भैया हमारे मतलब चोटाई गो ज्यादा मतलब भैया ना बची, दौड़ो अम्मा देखो का हुई गो। तो अम्मा अंदर से आई गई, तब फिर सबको देखें तो रो चिल्लाए लगी, तब ज्यादा घाव लग गए तो मतलब वो ऐसे चला गया सीधा ऐसे गा रहा। तो वो भेड़िया ने कहाँ हमला किया था और कहाँ पर पकड़ा? भेड़िया ने हमला करा थे गाल पे, यहाँ पे और फिर यहाँ पे हमला करा, गर्दन पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, गर्दन पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब फिर पकड़े मतलब पकड़े के चक्कर में रहा तो मान लो पकड़ना पे तो मतलब खाली दांते भी लगा। तो ये जैसे ही दरवाजे से कदम बाहर रखा है आपके भाई ने, हाँ, वैसे ही इसके पास में यहाँ कहीं छिपा बैठा था? हाँ, कहीं यही तो छिपा रहा था, नांदा रहा है ना साथ में, तो वही के साथ में चाहे छिपा रहा हुआ। अच्छा, तो जरा बताइए, जैसे आप साथ में निकल रही थी अपने भाई के? हाँ। अच्छा, जैसे वो इस तरह से यहाँ बाहर आया है, हाँ, दरवाजे के बाहर यहीं पर कहीं वो भेड़िया बैठा था? हाँ, यहीं पर कहीं बैठा था। अच्छा, तो हम सोचे कि भैया मतलब वो चला गया नल पर जात रहा है तो वो नलों पर ना जाए पैसे मतलब वो सोच के ला पानी लोटा में भर ली तो दादी का बुला ले चल तो खाना खा ले। हम कहे भैया तुम पानी भर लो, हम दादी घुरा दी। तो हम जैसे वहाँ गए तैसे ही चिल्ला ने तैसे हम वहाँ से दौड़ के आए हैं और फिर उका देखा है भागते उधर इधर गाँव के ऊपर चढ़े भी देखा है जैसे उका। यानी आपके भाई को भेड़िया ने नीचे गिरा दिया था? हाँ, इसी दौरान जब यहाँ पर ही? हाँ, यही पर गिर गए। तो वो कुछ कोशिश कर रहा था कि भेड़िया को दूर भगा पाए? हाँ, मतलब वो कोशिश कर रहा था तो उके लाज जैसे लगा बहू के दौड़ के नट्टिया जैसे पकड़ ली भेड़िया, बस उके मतलब नट्टी पकड़ ली तो तौली से हम कहे मतलब दर्द दर्द तौली से हमसे को आए तो जैसे हमारे पास लेट वेट तो रहा नहीं तो हम लेट। तो आप नजदीक से थी, आपने देखा वो भेड़िया जैसे हमला? हाँ, देखा, हमला करत भी देखा उका, फिर हम पकड़े फिर रखो वो जब भाग गया तो हम भैया को उठान फिर चिल्लाए लगे खूब जोर से, तब बढ़ के अब हमारा सब लोग जिस तरह से वो भेड़िया दिखा आपको। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सियार भी है इस तरीके से घर के पास आते हैं, तो क्या वो सियार तो नहीं था कहीं? नहीं, हमका सियार नहीं लगा, वो जिसे जानवर के तरीके से लगा जिससे लगा था कि भेड़िया हो हमका, जिसलिए सियार का हमको पता है सियार भेड़ा कैसा होता है पर अरे वो का दूसर पता है हमका भी। तो वो क्या उसका बड़े मुंह वाला था, किस तरह से वो दिखाई दे रहा था जरा समझा कर बताइए ताकि बाकी के लोग समझ सके कि इस तरह का इससे बच कर रहना है। जिससे मतलब वो का बड़ा मुंह रहा लंबा सा रहा और जिससे वो थोड़ा मतलब मोटा भी रहा जिससे बड़ा नहीं होता है। अच्छा, उस तरीके से रहा जिससे ताजी भैंस बोते हैं तो उसके तरीके से रहा थे तो उतना सा रहा और मतलब लंबा ज्यादा रहा समझ के। ठीक है, तो हाँ, आप तो उसके नजदीक आ गई थी जब वो हमला कर रहा था यहाँ पर? नहीं, जैसे हम यहाँ पर जैसे वो हमला कर रहा था। हाँ। तो हम जैसे वहाँ थे थमरा तिरिया। ठीक है, फिर हम जैसे मतलब सोचे कि लाओ यही पेड़ हुआ मतलब डंडा रखा है। हाँ। तो हम सोचे उठाए। हाँ। तो मतलब थुनी हुआ जैसे हम निकाल शुरुआत करें तो हम सोचे कि कुत्ता उत्ता हो तो बीमार दे भाग जी है। हाँ। तो जिससे हम थुनी हुआ जिसे पकड़े हैं और चिल्लाने खूब जोर से दौड़ो भैया का मतलब लड़ डाली से
तब वो दौड़ के पहुंचा है, तब वो भाग गया है, तो हम भैया का दौड़ के उठाए हैं, फिर अपने कांधे पाले हैं, मतलब अपने बले करे रहे हैं, फिर सब लोग दौड़ के आए हैं, चारी बार से घर से दौड़ के आए हैं सब लोग। कितने साल का है भाई? लग गए जिसे 12 साल के है, अभी ज्यादा मतलब ना है वो। पढ़ता है, स्कूल जाता है? हाँ स्कूल जाता है बराबर। कौन सी कक्षा में है? मतलब 4 माह है, कच्चा 4 माह है। तो ये उसी जगह पर है, और बहन खुद चश्मदीद जो बता रही हैं कि कोई दूसरा और जानवर नहीं है, क्योंकि हमने उनसे पूछा भी है कि क्या कहीं कोई दूसरा प्राणी तो नहीं, उन्होंने कहा कि वो फर्क जानती हैं, सियार कैसा होता है और भेड़िया कैसा है। उन्होंने बोली है कि ये भेड़िया ही था, इसी दरवाजे पर एक बड़ा हमला उसने किया, गाँव के भी और कई लोग हैं यहाँ पर, और अभी एक कुछ आतिशबाजी के जरिए भी वो धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सियार इस डर से बाहर चला जाए। जी सबको देखा था? जी भरा सबको देखा था कि भरा युवा है। बिल्कुल। तो ये पिता हैं उनके, और आप भी घर में थे उस समय? हम नहीं सर जी। अच्छा आप बाहर थे? हम बाहर थे जी। वह आप बताओ कि भैया बात कर लो बिटिया से हमसे। हाँ हाँ उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया। हम नहीं जानते सर। और अस्पताल में है उसकी अभी तबीयत ठीक है, आपको पता चला होगा। अब देखा नहीं सर जी, हम कहा बताइए। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी तकलीफ है, और इस तरह से भेड़ियों का हमला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शासन प्रशासन का कहना है कि जल्द उसे पकड़ा जाएगा, या फिर नहीं हुआ तो मारने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन तब तक पता नहीं इस तरह से कितने लोगों के आंसू अभी और छलकते दिखाई देंगे, और इसी से बचने की जरूरत है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चौरे, न्यूज 18 इंडिया, बहराइच।